Good morning, everyone. Continuing with our next question, illustration number 5. From the following receipts and payment accounts of a credit club and the subjoined information, prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st December 2007. 31st December 2007 को हमने बनाना है income and expenditure account and balance sheet. Receipts and payment accounts हमें given है. Additional information हमें given है. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमने बनानी है. इस क्वेश्चन को करने का मेन पर्पस ये है, दैट इज़ जो बीकॉम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं. अदरवाइज़ ये सेम क्वेश्चन हम जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने वहाँ पर किया है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और बैलेंस शीट का. एंड एज यूजुअल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी कैपिटल फंड का बैलेंस निकालने के लिए, अगर हमें उस किसी भी ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें कैपिटल फंड मिलेगा वो ट्रांसफ़र होगा आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन. यहाँ पे हमें गिवन है बैलेंस BD करंट अकाउंट विद द बैंक. तो ये है हमारा जो आपका बैंक के पास ओवरड्राफ्ट एक तरीके से करंट अकाउंट में जो आपका अमाउंट है, तो ये आपका ट्रांसफ़र होगा बैलेंस शीट में. तो ये हमने बैलेंस शीट में लिखा आपका कैश इन हैंड, ये आपका 352. देन करंट अकाउंट विद बैंक फिक्स डिपॉजिट एट 6% 3000. तो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा, ये फिक्स डिपॉजिट हो गया आपका, कैश एट बैंक हो गया जो आपके करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 2738. देन नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज़ टू मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन. मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 600 रुपीज़ फॉर 4000 में 600 इंक्लूड है, लेकिन हम बना किसके 21 ईयर के लिए रहे हैं 2007 के लिए, तो हमें इसके एडजस्टमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी. तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमने लिखा 4000 और इसमें से जो सब्सक्रिप्शन है 2006 को बिलोंग करती है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसे हमने यहाँ पे माइनस कर दिया 600 रुपीज़ को. देन नेक्स्ट है हमारी एंट्रेंस फीस 275. जो एंट्रेंस फीस है हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से शो किया इनकम साइड पर 275. देन डोनेशन 501, स्मॉल अमाउंट है तो बाय डोनेशन 501. देन हमें जो गिवन है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड टूर्नामेंट फंड. तो ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 90 का. अब टूर्नामेंट फंड गिवन है बेटा हमें, तो टूर्नामेंट फंड आएगा बैलेंस शीट में, टूर्नामेंट फंड 2000 का. स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो हमने इसे वहाँ शो किया है. देन है टू सेल ऑफ क्रॉकरी 200 और बुक वैल्यू है उसकी 120. आपने मतलब कितने पे 80 रुपीज़ प्रॉफिट पर आपने उसे सोल्ड किया, तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी 80. और जो हमारी क्रॉकरी है वो हमारी एसेट है, तो जो आपकी क्रॉकरी होगी, क्रॉकरी में से जो आपका अमाउंट है वो जिसकी आपने सेल कर दी है वो माइनस हो जाएगा. तो हम इसे देखते हैं कि क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर क्रॉकरी परचेज की है या नहीं की है. तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम पेमेंट साइड. बाय क्रॉकरी परचेज देखिए लिखा हुआ है 265. तो 265 की क्रॉकरी हम इस ईयर की बैलेंस शीट में दिखा देंगे. क्रॉकरी 265. अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो हमने इससे पहले किया कि क्रॉकरी आपने सोल्ड की है 200 की और वो थी 120, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में वो क्रॉकरी 120 की स्टैंड करती थी. तो हमने जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें क्रॉकरी लिखी है 120 की. देन नेक्स्ट हमारा जो गिवन है दैट इज़ बाय मेंटेनेंस बाय मैच एक्सपेंसेस. तो बाय मेंटेनेंस एंड बाय मैच एक्सपेंसेस, तो ये आ गया टू मेंटेनेंस एंड टू मैच एक्सपेंसेस. नेक्स्ट जो हमारा गिवन है बाय सैलरीज बाय कन्वेयंस बाय अपकीप ऑफ लोन एंड बाय पोस्टेज स्टैम्प. तो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे, टू सैलरीज, टू कन्वेयंस, टू अपकीप ऑफ लोन, टू पोस्टेज. अब पोस्टेज में हमारा देखिए यहाँ पर हमारे पोस्टेज का स्टॉक गिवन है, तो इसीलिए इसके एडजस्टमेंट्स हम वहाँ करेंगे. तो अभी के लिए ये जो पोस्टेज स्टैम्प पे हमने खर्चा किया है वो हम अंदर के कॉलम में यहाँ पर लिख रहे हैं.
ये परचेसेस आपने ड्यूरिंग द ईयर किए 105 के, तो परचेसेस में हमने इसे लिख दिया है. देन उसके बाद हमारा है सनराइज एंड बाय इन्वेस्टमेंट, तो सनराइज हमने लिख दिया है टू सनराइज एक्सपेंसेस. और नेक्स्ट जो आइटम हमारी गिवन थी दैट इज बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स आपने परचेज की हैं तो इन्वेस्टमेंट्स आपकी एसेट हुई, तो इन्वेस्टमेंट्स को हमने बैलेंस शीट में 570 पर शो कर दिया. इन्वेस्टमेंट्स के बाद नेक्स्ट आइटम है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस. हमारे पास टूर्नामेंट फंड था तो ये एक्सपेंसेस जो हैं टूर्नामेंट फंड से ही माइनस होंगे, तो ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिए टूर्नामेंट फंड से. नेक्स्ट जो आइटम हमारे पास गिवन है दैट इज बैलेंस, हमारे पास गिवन है कैश इन हैंड का, करंट अकाउंट का और फिक्स डिपॉजिट का, तो हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें ये बैलेंसेस आ जाएंगे. ये आ गया हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस. अब नीचे एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं. जो गिवन है मंथली सैलरी है 100 रुपीज़, तो यहाँ पे सैलरी बेटा जो पे की है दैट इज 1100 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग है. तो सैलरीज में 100 रुपीज़ हमने यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया और आउटस्टैंडिंग है, तो आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज में 100 रुपीज़ को शो कर दिया. तो अब इस आउटस्टैंडिंग सैलरीज को एक तो हमने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें ऐड किया, दूसरा हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज को लायबिलिटी साइड 100 रुपीज़. देन नेक्स्ट जो हमारा गिवन है एडजस्टमेंट दैट इज वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टाम्प्स गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे गिवन है पोस्टेज स्टाम्प का और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. तो जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और इसमें हमने परचेजेस को ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक को हमने यहाँ से माइनस किया. अब ये जो पोस्टेज का आपका क्लोजिंग स्टॉक है इसको हम बैलेंस शीट में भी शो करेंगे, तो अनयूज्ड पोस्टेज स्टाम्प को हमने यहाँ पर शो किया. देन नेक्स्ट जो हमारा आइटम है दैट इज स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट, वही ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है और जो भी आपने इसके ऊपर एक्सपेंसेस किए होंगे, तो इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक में हमने परचेजेस को ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया और इसी चीज़ को हम यहाँ पर भी शो करेंगे. तो ये स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर शो हो जाएगा बैलेंस शीट. देन नेक्स्ट जो हमारा आइटम गिवन है दैट इज एरियर्स ऑफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 2006 के और 2007 के. तो जो सब्सक्रिप्शन है हमारी 2006 के, तो जैसे हमें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी था क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शन इस अमाउंट में ऑलरेडी 600 की जो गिवन है इंक्लूड है, उसे हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं. नेक्स्ट 2007 की जो मेंबरशिप आउटस्टैंडिंग थी तो वो बिलोंग तो करंट ईयर को करती है, तो उसे हमें यहाँ पर ऐड करना है. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2007 को हमने यहाँ पर ऐड किया. तो ये सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं इसकी ट्रीटमेंट करने के बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करेंगे, तो हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आ गया जिसे हम कहते हैं सरप्लस, और इस सरप्लस को हमें ऐड करना है हमारे करंट ईयर की जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट उसके कैपिटल फंड में. तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमने जो बनाई, ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें जो बैलेंसिंग फिगर मिली वो कैपिटल फंड की मिली और इस कैपिटल फंड को हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने इसे लिखा 7266 और इसमें हमने ये जो एक्सेस था आपका सरप्लस था 221 का इसे हमने इसमें ऐड कर दिया. तो ये जो दोनों साइड्स हैं आपकी बैलेंस शीट की मैच कर जाएंगी. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था जब हमने आइटम्स लिखी थी कि कौन कौन सी आइटम्स नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, तो इस क्वेश्चन में हमने डोनेशन और एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज्ड नहीं किया है. तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.